दोस्तों, दिल्ली सरकार महिलाओं की तरह दिल्ली में पंजीकृत लाखों निर्माण श्रमिकों को भी DTC की बसों में फ्री सफर का तोहफा दे सकती है। इस संबंध में CM अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग को DTC से बात कर इसकी संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। अगर यह संभव होता है तो दिल्ली सरकार बस पास के बदले DTC को एक तय शुल्क का भुगतान करेगी ताकि उसको आर्थिक नुकसान न हो। इसके अलावा वकीलों की तरह निर्माण श्रमिकों को भी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने विभाग को इसका आकलन करने को कहा है। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान CM अरविंद केजरीवाल ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में CM अरविंद केजरीवाल ने श्रम विभाग की चल रही विभिन्न योजनाओं और उनकी मौजूदा स्थिति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा एकत्र किए गए टैक्स और संसाधनों के इस्तेमाल का ब्यौरा लिया और कुछ मुद्दों की पहचान कर उसका समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एकत्र किए गए टैक्स के पैसे का सकारात्मक और प्रभावी उपयोग किया जाए। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि करीब 23 लाख श्रमिक केंद्र के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है, लेकिन उन्हें वहां कोई लाभ नहीं मिलता। हमने अपने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन कई लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ पाते। हमें श्रमिकों को अपनी योजनाओं के तहत पंजीकृत कराने का प्रयास तेज करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। CM अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को हर एक श्रमिक को मुफ्त बस पास उपलब्ध कराने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से DTC के साथ बात करने के लिए कहा है कि क्या सरकार श्रमिकों की ओर से बसों के पास के लिए कुछ शुल्क का भुगतान कर सकती है जिससे वो बसों में मुफ्त यात्रा कर सके। ऐसा करने से DTC राजस्व भी अर्जित करेगा और श्रमिकों को मुफ्त बस पास भी मिल सकेगा। दिल्ली सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य मदद कराती है। मुख्यमंत्री ने विभाग को जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तर्ज पर इस योजना पर काम करने का निर्देश दिया, जहां निर्माण श्रमिकों के बच्चों मुफ्त कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने विभाग से पाठ्यक्रम आधारित छात्रवृत्ति की अधिकतम सीमा हटाने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि इस निर्धारित सहायता के बजाय विभाग को छात्रों को राहत देने के लिए वास्तविक जरूरत के अनुसार भुगतान करना चाहिए। आपको बता दें कि विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभाग की नई पहलों से भी अवगत कराया, जिसमें डॉक्टर्स ऑन व्हील्स यानी निर्माण स्थलों पर मुफ्त चिकित्सा जाँच, कौशल विकास, कौशल प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण और निर्माण स्थलों पर क्रैच की सुविधा शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।